जाने दो भैया, पीछे हट जाते हैं, मर्द जाति की इज्जत बचाते हैं। जो औरतों को सम्मान देता है कहाँ शांत रहना चाहिए, जानने वाला ही वही असली मर्द है। हम मर्दों की बद्दुआ लगेगी तुमको। अगर तुम्हें किसी की बद्दुआ लगती ना तो तुम लोगों की तो कब की छुट्टी हो जाती। अरे जाओ ना, जाकर इवनिंग शो की तैयारी करो। अरे कहाँ जा रहा, अरे रुको, लगा ना झटका। हाँ वो भी जोर का। क्या रे बटले, परफॉर्मेंस खत्म हो गया हो तो वापस आ। क्या हुआ यजमान? अंबिका दरबार बत्ती और अंबिका पेट की पत्ती, बस कहानियाँ सुनाते हैं पंडित जी। अब क्या हुआ? मुझे बेटा पैदा हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। चुप रहिए आप, ये बात अगर पिताजी को पता चल गई तो। हार्ट होंगे क्या? नहीं, हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे। बेचारे मेरे पिताजी, मेरी माताजी को देखने के लिए पूरी रात जाग कर बैठे हुए हैं। क्या जवाब दूंगा उनको? सच में ऊपर जाएंगे लगता है। लेकिन आप घबराइए मत, कृष्णास की क्या कहती है देखते हैं। की इनकी नजर में तो लिंग भेद ही नहीं है यजमान। ये लिंग क्या है? वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पैदा तो माताजी हुई है, जन्म के साथ जेंडर बदल दिया है बस। तो अब क्या करें? करना क्या है, पुल्लिंग में ही स्त्रीलिंग को देखना पड़ेगा बस। आइडिया पिताजी, ये लीजिए पिताजी, माँ आपके लिए वापस पैदा होकर आई है। वही नाक, वही आंखें, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। मुझे पता था बेटा, तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर स्वर्ग में भी नहीं रह सकती है। भगवान, इस रहस्य के बारे में अगर मेरे पिताजी को पता चला तो कोई नहीं बचेगा, सबको खत्म कर दूंगा। सच जानने के बाद तुम्हारे पिताजी ऊपर जाएंगे। हाँ सच है। अरे चलो, फालतू की मीटिंग है ये। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी सुंदर गुड़िया, नटखट मुझे गीला कर दिया। बहू, गुड़िया ने कपड़ा गीला कर दिया, जरा कपड़े बदल दो। पिताजी, पिताजी, रुक जाइए, डायपर मैं चेंज करूंगा। अरे इतना भाग क्यों रहा है, सांसें रुक जाएगी, मर जाएगा। अगर आपको सच पता चल गया कि असलियत क्या है तो आपकी सांसें बंद हो जाएंगी। क्या फुसफुसा रहा है, सुनाई दे ऐसा बोलना। अगर सुन लियो ना तो अभी ऊपर चले जाएंगे। खेलो खेलो, ये लो कॉफी। थैंक यू दीदी। क्यों रे, इसे देखो, एकदम लड़की लग रही है ना। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या, जैसे इसे तैयार किया है। मुझे भी नहीं लग रहा है, मेरी माँ को पैदा करना था ना, लेकिन देखो लड़की पैदा कर दी। चीची, लड़का पैदा कर दिया। ये सब कब तक चलता रहेगा? मेरे पिताजी जब तक जीवित है इनका कुछ नहीं हो सकता। एक बात सुनो जीजा, ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चले या ना चले, लेकिन अगर ये बात इसे पता नहीं चली तो बेचारा ये भूल जाएगा कि ये लड़का है या लड़की है। हाँ, माँ की बोली जगदम्बा की बोली, मेरी माँ की बोली विजयवाड़ा की जगदम्बा की बोली, श्री शैल की ब्रह्म अम्बिका की बोली, माँ काली की बोली। यहाँ पर प्रकृति का प्रलय तांडव हो रहा है मालिक, विकृति विलय तांडव कर रही है मालिक, माँ बोल रही है मालिक। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात बोली है आपने। प्रकृति की बात तो भगवान जानते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत कुछ और है, किसी आदमी को आपकी जरूरत है। चलिए आइए आइए आइए। ठीक है मालिक। जो बोलना है मेरे जीजा जी से बोलिए। एकदम तुम्हारे जैसा दिखता है, कौन है रही है जो करा है? जो कर ही हूँ मालिक, लेकिन माँ का पुत्र हूँ मालिक, फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस सब बता सकता हूँ मालिक। माँ को इंग्लिश भी आती है क्या? माँ को कौन सी भाषा नहीं आती है मालिक, अम्मा माँ की बोली, जगदम्बा माँ की बोली, मेरी माँ की बोली। यानी तुम्हारी माँ सब कुछ बोल सकती है? एक मिनट रुको बेटी, सुनो जोकर अंकल आए, जरा इधर आओ। अब बताओ किसको इसका पति कब मिलेगा? बुबला मंगम्मा, विजयनगर की पदम्मा। बीच में चुप क्यों गए, बोलो ना। गलती कर दिया है मालिक, माँ से ही मजाक कर रहे हो मालिक। अरे बाप रे, ना मांगने वाली इच्छा मांगी है मालिक। अच्छा, मुर्गे को चोटी बांधकर मुर्गी बताओगे तो माँ मान जाएगी क्या मालिक? तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी मालिक, इस बच्चे को सच में पति मिलेगा मालिक,
वो आएगा मालिक, वो जरूर आएगा यहाँ मालिक, जरूर आएगा मालिक। निकल। सॉरी मैं स्लिप हो गई। सॉरी बोलने से जो मुझे चोट लगी वो ठीक हो जाएगी, एक किस कर दे सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं देगी चलेगा, इसे दे दे मेरी जान। भाई मुझे मारना मत, मैंने कुछ नहीं किया, गलती तो उसकी है। कहाँ है बे? भाई भाई व्हाट्स द मैटर? तेरे से कोई लेना देना नहीं है और तू तो इन्वॉल्व मत। इनसे लेना देना आखिर क्यों नहीं है? शर्त तो इन पर ही लगाई है ना। व्हाई बेटिंग माय पीपल्स? भाई बात ऐसी है कि वो जो लड़की है ना बोली कि वो एक पप्पी देगी, इसने बोला कि नहीं देगी और इस बात पे शर्त लगाई। अब रिजल्ट आए बिना पैसे कैसे दे दें? नो ना इंसाफी है ना। नहीं बोल रहा, आई लव यू। क्यों रे इतना कॉन्फिडेंस है तुझे कि ये लड़की मुझे किस नहीं करेगी? मेक्सिकानो वाइटो मोम्बेटानो टुम्बे पिज्जा पिज्जा या बाबू मेरा पिज्जा रेडी है क्या? टेक इट सर। क्या हुआ? किस करोगी कि नहीं करोगी या मैं खुद कर दूं? मुझे छोड़ो। पेपर पिज़्ज़ा पर ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ओके। कई लोग तो एसिड फेंकते हैं, कम से कम हम कॉफी तो फेंक ही सकते हैं। क्यों रहा है? चल गया शॉट मैन। यही कहना है।
जैसी होती हैं लड़कियां, उनके अंदर भी हिम्मत होती है और उसी हिम्मत को बढ़ाने का काम करते हैं। चलो। मुझे एडमिशन चाहिए। क्यों दादी जी, किसे चाहिए एडमिशन? आपकी पोती को? नहीं, मुझे चाहिए। क्या कहा आपको? इस उम्र में एडमिशन क्यों लेना है? 20 साल की उम्र में शादी हुई थी बेटा। ओहो। 40 साल से मैं उसका मार खा रही हूँ। अगर मुझे भी एक चांस मिल जाए तो अच्छा है। 40 सालों का गुस्सा दादाजी को आप मार देंगी क्या? वो मरेगा तो मेरा गुस्सा ठंडा कैसा होगा? हाँ, समझ गया। अब बची हुई लाइफ में आप दादाजी का बैंड बजाना चाहती हैं, तब तो मजा आ जाएगा। इनको एडमिशन दे दो, अब आएगा मजा। तुम सब यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा है क्या? एडमिशन औरतों के लिए, मर्दों के लिए एडमिशन नहीं है। तुम सब जा सकते हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। ये सब यहाँ ज्वाइन होने के लिए नहीं, तो? तुम्हारा जॉइंट तोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? धरना। धरना क्यों? धर्म के लिए। वैसे भी यहाँ आजकल कितना अधर्म हो रहा है। उठा दो। को मारना आदमियों का हक है। आदमियों की जिंदगी के साथ खेलने वाले इस इंस्टीट्यूट को चालू नहीं रहना चाहिए। बंद करो, बंद करो। इस इंस्टीट्यूट को लगना चाहिए ताला और हमें मिलनी चाहिए मुक्ति। इंस्टीट्यूट बंद करो, 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 बंद करो। कुत्तों की तरह क्यों भौंक रहे हो? तुम लोगों के भौंकने से इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा? इतना मामूली इंस्टीट्यूट नहीं है। शेरनी का अड्डा। ओ शेरनी है तो हम गली के शेर हैं। बुलाओ उन्हें बाहर, देखते हैं। अबे बेवड़े, तुझे पता नहीं है गली का शेर यानी कि कुत्ता, इसीलिए तुम सबकी जिंदगी ऐसी है। फिर भी हम आगे बढ़ेंगे। जाने दो भैया, पीछे हट जाते हैं, मर्द जाति की इज्जत बचाते हैं। जो औरतों को सम्मान देता है कहाँ शांत रहना चाहिए। जानने वाला ही वही असली मर्द है। हम मर्दों की बद्दुआ लगेगी तुमको। अगर तुम्हें किसी की बद्दुआ लगती ना, तो तुम लोगों की तो कब की छुट्टी हो जाती। अरे जाओ ना, जाकर इवनिंग शो की तैयारी करो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, लगा ना झटका। हाँ, वो भी जोर का। क्या रे बटले, परफॉर्मेंस खत्म हो गया हो तो वापस आ जाओ। क्या मजाक उड़ा रहे? हेलो मास्टर जी, आपको अकल है ना, तो इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं? पंछी अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं बेटा। मुझे ही बोला क्या? क्यों शक हो रहा है? अब पेपर वाला पेपर नहीं डाल रहा है, दूध वाला दूध लेकर नहीं आ रहा है, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। उन्हें पगार बराबर क्यों नहीं देते हो? हर मामले में कंजूसी ही करते हो। क्या रे, गांव की सारी औरतों को यहाँ लाकर ताता भैया करवाओगे तो सारे मर्दों की जलेगी नहीं क्या? ये इंस्टीट्यूट नहीं चलना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो चैनल के सामने अपना शर्ट खोल कर खड़ा हो जाऊंगा। हेलो मास्टर जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ज्यादा नखरा करेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। मैं मुसीबत क्यों झेलूंगा? कला मंदिर है वहाँ, कला मंदिर कल्याण है यहाँ। सिर्फ नाम आपका है, कला मंदिर मेरा है, भूल गए हैं क्या? दादाजी ने मेरे नाम पे किया था। अरे अरे बेटा सुनो, देखो गांव की सारी औरतों का भला बाद में करना, पहले शादी करके मेरा भला कर दे बेटा। शादी के लिए कमोन कमोन। फीलिंग्स भी तो होनी चाहिए। फीलिंग आनी चाहिए। अरे हमारे अंदर फीलिंग्स तो थी नहीं, तभी तो हम संसार चला रहे हैं ना। इस जन्म में तो सपना ही है वो। अब तो सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, मगर वो उनकी तकलीफ देखता है, इसीलिए उसे लड़की को देखकर कोई खास फीलिंग नहीं जगती है, समझे? बचपन से हमने उसे एक लड़की की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे मर्दों वाली फीलिंग्स कहाँ से आएंगी बोलो? अभी उसे शादी की फीलिंग्स नहीं आने वाली। ज्यादा सोचोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हें। मेरे हार्ट के लिए ये इतना फील क्यों कर रहा है? अरे ये क्या, सब मुझे अकेला छोड़कर निकल लिए? कृष्णा, हे भगवान, फिर से बुलाया। आगे पंडित जी, आखिर कहाँ जाऊंगा? पीछे पड़ा हुआ शनि भी 7 साल बाद पीछा छोड़ देता है, लेकिन पिछले 7 पुष्कर से आप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। आपके अलावा मेरा और कौन है पंडित जी? मेरी फैमिली के लिए भी मेरे अलावा और कोई नहीं है यजमान। मेरा बेटा बोलता है कि लड़कियों को देखकर उसके अंदर फीलिंग ही नहीं आती है। कोई भी रिश्ता ना देखते हुए लड़की दिखते ही बस गली के कुत्तों की तरह पीछा करने वाले इस जमाने में अगर लड़का शरीफ है तो वो युग पुरुष है यजमान। पता नहीं युग पुरुष है या गे पुरुष है, इसी असमंजस में रहे तो शादी कब होगी? वेटिंग लिस्ट में अटके हुए मेरे माता पिता कब नीचे आएंगे? बिना पोल्यूशन वाला प्लेस और बिना सोल्यूशन वाला प्रॉब्लम इस धरती पर हो ही नहीं सकता। कृष्ण जी किसी को भी अकेले नहीं भेजते, कहीं ना कहीं जोड़ा जरूर भेजा होगा।
सिस्टर, बोलो बेटी मानसी, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ सिस्टर। क्या हुआ बेटी? मैं नन मानना चाहती हूँ। नन? असल में हुआ क्या है बेटी? मैं नहीं बता सकती, बस मैं जल्दी से नन बनना चाहती हूँ। ये जल्दबाजी में लेने वाला फैसला नहीं है, बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। मैंने इस बार में ठीक से सोचा है, कैसे भी करके मुझे नन बना दीजिए सिस्टर, प्लीज 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 सिस्टर। ओके ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं एक वीक में सारी अरेंजमेंट्स कर लूंगी। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम ताउम्र खुश रहो, कोई परेशानी ना हो। मेरे बच्चों के लिए थोड़ा मिल सकता है बेटी? भगवान तेरा भला करे। बेचारी इतनी खूबसूरत है, थोड़ी उम्र लंबी होती तो कितना अच्छा होता। अबे चुप कर, तुझे बोला क्या मरने वाली है? तू देख नहीं रहा है क्या? देखकर ही समझ में आ रहा है, सब कुछ त्याग कर नन बनने जा रही है बेचारी। फालतू के कमेंट्स मत मार, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पता करना पड़ेगा। ए, रुक 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 रुक। अरे रोक दिया बाबा। ए, नन बनना चाहती है, उसके लिए ऑर्गन्स तो चाहिए ना। ए भगवान, मदर टेरेसा ऑर्गन डोनेशन सेंटर। मैंने कहा था ना, सारा पैसा गरीबों को देने के बाद अब ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती है। भगवान इस बेचारी का भला करे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यार। चलो चलते, एक मिनट रुक जा, मैं देखती हूँ। क्यों बे? ये हमें क्यों बुला रही है? फॉलो कर रहा है क्या हमको? तुम्हें नहीं बहन जी, उसे। अरे क्यों परेशान करना चाहते हैं उसको? शांति से जी नहीं सकते हम लोग? शांति तो तुम लोगों की भंका दी है। उस लड़की को कौन परेशान करता है वो जानने के लिए आए हैं। हमें नन ने फोन किया था। 2 महीने पहले एक इंसान बुरी हालत में इसे मिल गया था और उस वक्त इसने उसकी बहुत मदद की थी। जरा हटो तो। एम्बुलेंस। हाय, आप कैसे हो? बेटर? बिल पे कर दिया है, डोंट वरी। मैं आपके लिए फ्रूट्स लाई हूँ, ये लीजिए। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ओके मैडम, थैंक यू। गेट वेल सून, ओके, बाय। इस बेचारी को उस पर बहुत दया आ रही थी और वो मवाली इस पे लाइन मारने लगा था। हाय, आप कैसे हो? ये भालू तुमसे प्यार करता है मेरी बाबू। What? Yeah, it's a fact. उस एक्सीडेंट में मैंने तुम्हें देखा और दर्द में ही दिल दे बैठा। रिकवर होके प्रपोज करने के लिए आया हूँ, बस हाँ कह दो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। ना कहा तो, ना कहा तो, जो जिंदगी तुमने बचाई है, ये जहर मुझे देकर उसे खत्म कर दो, ताकि मेरा नाम प्रेमियों के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाए। अच्छे से सोचकर हाँ बोल देना। उसने ब्लैकमेल करके इसे प्यार करने के लिए मजबूर किया और उस दिन के बाद ये उसकी एटीएम बन चुकी है। जॉब इसका, सैलरी उसकी, कार उसकी, ईएमआई इसका। क्या रे, पैसा फोकट में आता है क्या? बाबू ओटीपी आया होगा, उसे भेजना। बाबू कार जबरदस्त है ना, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। अब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती आई है, लेकिन परसों। अरे मेरे बाबू, हमारे सारे दुख खत्म होने वाले हैं। इनका नाम शेख अब्दुल्ला है, ये दुबई में रहते हैं। इनके वहाँ पर पेट्रोल पंप बिजनेस से लेके 5-स्टार होटल तक बहुत कुछ है। तुम ईएमआई भरने की वजह से परेशान हो रही थी ना, मैंने इनको बताया, इन्होंने कहा तुम्हें नौकरी देंगे और उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए कैश भी देंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इनके साथ चले जाओ।
बाप रे दुबई? अभी बाप रे दुबई बोल रही हो और जाने के बाद वाह वाह दुबई बोलोगी? मैं जानता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। अभी नहीं जाऊंगी बोल रही हो और जाने के बाद नहीं आऊंगी ऐसा बोलोगी? मुझे जाके भूल मत जाना। मैं नहीं जाऊंगी। मत जाओ बाबू, मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। Hey, बाबू मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत सॉफ्ट है, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। सेठ जी 10 10 10 3 10 लाख एडवांस। ठीक है सुनो, तुम तैयारी कर लो, एक वीक में तुम्हें निकलना है। तुम घबराना नहीं, अपनी लाइफ सेट हो चुकी है। जब तुम लौटोगी कार बंगला सब कुछ होगा। कौन है वो और कहाँ रहता है? मैं उधारी की गेम नहीं खेलता, कैश पे खेलता हूँ। भालू अब अमीर हो चुका है, ओनली गोल्ड। कम ऑन प्ले प्ले आई से। देख क्या रहे हो, खेलो ना, खेलो ना। वेस्ट फेलोस, कौन हो जो तुम मेरे कार्ड देख रहे हो? खेलना है तो दूसरे टेबल पे खेलो। मासूम बच्चों की जान लेकर तू यहाँ जुआ खेल रहा है? मार दूंगा। अगर दोबारा किया ना तो जान से मार देंगे। हेलो 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 हेलो, आई नो श्रीशा, हु इज द श्री? दे आर मिस्टेकन। You play. भैया कश्मीर और पाकिस्तान के बीच दंगा कराता है। एप्पल्स के रेट बढ़ गए ना तो मार दूंगा। बच के रहना, बी केयरफुल। हेलो 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 भैया भैया भैया, मैं करिश्मा को तो जानता हूँ, ये कश्मीर क्या है? ऊपर से एप्पल और पाकिस्तान। फिर आ गया। कुछ तो बोलो मेरे भाई, मुझे डर लग रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे मार क्यों रहे हो? एपी को अलग क्यों करवाया बे? मेरे पास तो पावर ही नहीं है, मैं कैसे कराऊंगा? मुझे तो चाहिए। कल तक दोनों सेपरेट हो जाने चाहिए। कल तक सेपरेट? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मार क्यों रहे हो? हेलो हेलो, कुछ इन्फॉर्मेशन देके मारो भैया, कभी भी हाथ साफ करके चले जाते हो। आपको क्या चाहिए मुझे पता नहीं चल रहा, बाहर निकलने में भी डर लगता है मुझे। हाँ बोल दो, नहीं तो अपने हाथ से जहर पिला के मुझे मार दो बाबू। एटलीस्ट अमर प्रेमियों के साथ मेरा नाम तो अमर हो जाए। नो जानू, अमर का तो पता नहीं लेकिन ये लोग मुझे शहीद जरूर कर देंगे। भैया यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है तो इज्जत का फालतू मत करना। अरे नहीं भैया, क्या कर रहे हो भाई आप? टाइम डेट मुहूर्त कुछ नहीं देखते और हाथ साफ करके चले जाते हो। परसों आपने जो मेरी धुलाई की उससे मेरी बॉडी का अंग अंग दर्द हो रहा है। भैया आपका गुस्सा तो समझ गया लेकिन मैटर समझ नहीं आया, कुछ तो क्लैरिटी दे के मारो मेरे भाई। अबे दुबई के सेठ, लड़कियों को धोखा देकर दुबई भेजने वाले को टाइम और डेट देखकर मारना चाहिए। अरे जहाँ देखे वहाँ मारना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस, मैं लड़कियों को दुबई में? यू आर मिस्टेकन। अरे मेरे बाबू, इतने दिनों से मुझे पिटवाने वाली हो तुम थी, अब तो मैं सच में मर जाऊंगा। ये पॉइजन देख रही हो, अभी मरता हूँ। मर जा, सच में मर जाऊंगा। थोड़ा जल्दी कर। सर ये पीने के बाद भी मैं नहीं मरूंगा। जहर से नहीं मरेगा क्योंकि ये बोतल तो पॉइजन की है लेकिन अंदर मैंने शहद भरा हुआ है। तो फिर ये पी ले, ये भी तो शहद ही है ना? नहीं, बाहर से हनी है अंदर से जहर है। ओरिजिनल। सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस लड़की से जो भी लिया लौटा दे। ओके वन मिनट। हेलो, सिर्फ इसी लड़की को नहीं। हाँ? कौन है सब? मैं नहीं जानता हूँ। तो? जानता हूँ जानता हूँ। हाय पद्मा, रम्या, ज्योतिश्री, मोनिका, श्रुति, साना, सबको जानता हूँ। क्या करना है ये भी जानता हूँ। मैं सबका सामान लेकर आ चुका हूँ, एक एक कर ये सब ले जाओ बाबू। ए ये तेरा है, ले जाओ। ठीक है। ए बाबू ये देखो, ये सब कुछ तुम्हारा है। लास्ट टाइम तुम अपने पापा से झगड़ा करके मेरे लिए लेकर आई थी, मुझे सब याद है। ये लो ये लो, मेरा बाबू ले लो। ठीक है। मेरा और एक नेकलेस था। नेकलेस था? यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। ये था ना? ये मेरा नहीं है। ओ, जो तुम्हारा नेकलेस था उसी को गला कर ही बनाया गया है। बाकी सब कुछ तुम्हारा है। ये लो बाबू, बैलेंस दे दो।
बैलेंस का मतलब ये है, लड़कियों को बाबू बोलता है तू? वो क्या है ना कि बहुत सारी लड़कियां हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक ही नाम से बुलाता हूँ, बाबू करके। अच्छा भाई चलता हूँ। कार कीज? वो मेरी अपनी कमाई का है। ओ सॉरी, इस बाबू ने मुझे गिफ्ट किया था, गिफ्ट भी वापस ले लेते हैं। कैसी फूटी हुई किस्मत है। चलता हूँ बाबू, चलता हूँ सर, चलता हूँ। भाई आपने इनको कब बुला लिया? साथ में कंपनी तो चाहिए ना। हमने ही बुलाया है, चलो मेरे पीछे आओ। तुम भी ना। Yes, चल झूठे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। Yeah, सच में मजा आ गया। अरे तूने उसके सिर में बोतल क्यों मारी? ए लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इससे क्या पूछ रहे हो भाई? धोया है गुंडों को? हाँ, मुझे तो लगा जैसे मैरी कॉम बॉक्सिंग कर रही है। तुम्हारी हिम्मत का ओनली 1%, 1% भी किसी लड़के को मिल गया ना तो रेप और सुसाइड तो बंद ही हो जाएंगे। इफ यू डोंट माइंड, एक सेल्फी ले सकता हूँ तुम्हारे साथ प्लीज? सुशील है बेटा, कौन है ये लड़की है? ओ ये लड़की है? ये लड़की कल रात को पब में मिली थी, क्या पिटाई कर रही थी पापा गुंडों की, बस एक ही झटके में सबको धूल चटा दी। इस लड़की ने इतना मारा? हमारे देश की लड़कियों में अगर इसकी जितनी हिम्मत आ गई ना तो तब तो सारे मर्द मिट्टी में मिल जाएंगे। अबे तू चुप कर बटले, इतनी अच्छी लगी क्या बेटा? अच्छी क्या पापा, मैं तो फिक्स हो गया हूँ। अरे क्या धुलाई कर रही थी गुंडों की? अरे हमारी शादी नहीं हुई इसलिए हमें दिखाई नहीं देते, जिन मर्दों की शादी हो गई है उनसे जाकर पूछो, चाहो तो अपने डैड से पूछ लो। अरे गिर गया, गिर गया। अरे बाप रे क्या गिरा दिया, देखो देखो ध्यान से देखो। था क्या? अरे पापा उसे धक्का क्यों दिया? बेवजह मैं डिस्टर्ब कर रहा था, आ जाएगा, तू बता ना बेटा। पापा सच बोलूं तो मुझे लाइफ में जैसी लड़की चाहिए वो बिल्कुल वैसी है, जबरदस्त। गुड नाइट।
गुड नाइट बेटा। वाह मेरी बहू मिल गई। कृष्णा शनि की तरह पीछे पड़े हो यजमान, ना बैठे देते हो ना सोने देते हो, अब क्या हुआ? मेरे बेटे में फीलिंग्स आ रही है पंडित। अच्छा हुआ मुझे रिलीफ मिलेगा। अब क्या करना चाहिए? क्या करोगे, अंडे दोगे क्या? पहले उन दोनों को मिलाने की कोशिश कीजिए। आप मुझे डांट रहे हैं। अघोर मत कीजिए और शक्ल ऐसी मत बनाइए, देखा नहीं जा रहा है। पहले जो करना है वो कीजिए। गुड नाइट। अंकल मुझे धक्का क्यों मारा, पानी में गिरा क्या था? आइस का टुकड़ा। आइस का टुकड़ा। मम्मी ये बटन सिल दो जरा। बहुत ही खुश हूँ पापा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोलो बेटा। ये लड़की यहाँ कैसे? पूरी रात नींद नहीं आई बेटा, तुम्हारे बताने के बाद मैं पूरी रात बेचैन था, सुबह सुबह ही लेकर आ गया। मेरा मन किया तो आप घर लेकर आ गए। क्यों, माँ नहीं देख सकती है क्या? अरे माँ को क्या जरूरत है, वैसे भी उस लड़की को कितना डिस्कम्फर्टेबल लग रहा है, सोचा क्या? बेटी तुम्हें डिस्कम्फर्ट लग रहा है क्या? गलत पूछ लिया क्या? जरा अंदर चलो मुझे बात करनी है। अरे अपने लोगों के साथ कंफर्ट लगता है, डिस्कम्फर्ट क्यों लगेगा? हाँ अरे पापा आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है? अरे हम दोनों घर में ही रहते हैं, कभी भी बात कर लेंगे। इस लड़की को पूरा घर दिखा दे। बेटी इधर आओ, ये तुम्हें घर दिखाएगा, जाओ। ठीक है अंकल, प्लीज जाओ। क्या जोड़ी है। कृष्णा, कृष्णा। अरे बाप रे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जरा उधर देखिए। पाप है पाप, मीडिया के कैमरे की तरह जहाँ चाहे वहाँ जाकर लाइव टेलीकास्ट मत कीजिए। उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दीजिए यजमान। ठीक है बेटी। दीदी अपने पति को जरा कंट्रोल में रखो। मेरे बेटे को तुमने पसंद कर लिया ये बात मैं समझ चुका हूँ, हमें तुम पसंद आ गई हो ये बात तुम समझ चुकी हो, अब जल्दी से हाँ बोल दो तो घर में शहनाई बजवा दूँ। क्यों वे बिल्ली की तरह मेरे पैरों पर पड़ा रहता था, मेरे सामने सर उठा रहा है तू अब? बिल्ली है या शेर ये तो मैदान में ही पता चलेगा। बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। आएगा। घमंड में चूर होकर हमारे सामने सर उठाने वाले के साथ पंचायत नहीं, उसकी लाश का पंचनामा करना चाहिए। जीजा जी, शेर के जैसा बेटा है जीजा जी। शेर के पेट से शेर ही पैदा होता है। मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं जी, पता नहीं इनकी बेटी से हमें रिश्ता। हमारे बेटे ने बहुत अच्छी फैमिली पसंद की है, मुझे गर्व है उस पे। और मुझे डर लग रहा है। तुम बेवजह में डर रही हो, मेरी नजर से देखो। हमारी बेटी को पसंद आ गया, मतलब हम सबको पसंद आ गया। खुशी की बात है। वैसे बुरा मत मानना, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। क्या काम करते हो तुम? कला मंदिर जानते हैं क्या? हाँ पान की दुकान ना, मैं हमेशा मीठा पान वहीं से तो खाता हूँ। वो नहीं, कपड़ों की दुकान। अच्छा, कपड़ों की दुकान। तो तुम कपड़े घर घर जाकर बेचते हो या फिर एक ही जगह बैठकर बेचते हो?
है। सुनिए, हमारे ससुर जी पढ़े लिखे नहीं है, वो कला मंदिर मराठा मंदिर क्या है ये नहीं जानते हैं। हमें पता है। थैंक्स। क्या वहाँ पर काम करते हैं? नहीं 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 नहीं, काम करने वालों को पैसे देता हूँ। पगार देने वाला गुमास्ता होगा ये। ये कौन है यार? नौकर नहीं हूँ, मालिक हूँ। कुछ भी बोल गई, गलत मत समझिए। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझेंगे। घर में आने के बाद भी काला चश्मा नहीं निकाला, मतलब बेशर्मों की तरह सब कुछ भूल जाएंगे, है ना? कला मंदिर कल्याण यानी कि एक ब्रांड है। ब्रांड ब्रांड फॉरेन ब्रांड या लोकल ब्रांड? उसमें अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है और दारू की क्वांटिटी कितनी है, उसे चढ़ने में कितना टाइम लगता है और चढ़ने के बाद असर कब तक रहता है, इसका रेट क्या है मुझे जरूर बताना। आई नीड क्लियरिटी प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा चढ़ी रहती है कि कभी उतरती भी है? बताओ बेटी सौम्या, इसे अंदर लेकर जाओ, इसकी बदबू से मुझे चढ़ रही है। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। चलो अंदर। जरूर जी, मैं ज्यादा दारू मंगाना। चलो अंदर, डांस नहीं करूंगा। ये कौन है जो पूरी तरह ठरकियों का ब्रांड लग रहा है? गलती से मेरी बेटी से इसकी शादी करवा दी तो अब भुगत रहा हूँ मैं। आज इसकी वजह से तीन तीन दारू की दुकानें चल रही हैं। आपके बेटे को ऐसी कोई आदत नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा तो सोना है। 24 कैरेट गोल्ड। अगर ऐसा है तो हमें मंजूर है, अब हमें कोई एतराज नहीं है। अब हमारी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ ही होगी। ये कैसा अन्याय है? आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ तय हुई है, आप किसी संतरे के साथ शादी कर रहे हैं? अरे बाबा बैठो ना तुम। दिखने में ये संतरे जैसा दिखता है, लेकिन इसका बेटा जो है देखो बिल्कुल हीरे जैसा दिखता है। हाँ मुझे ये मंजूर। तुम्हारी मंजूरी किसे चाहिए? लड़की का हाथ भीख में मांगने वाला राजी है? क्या? अरे मांगने के लिए रे बाबा, लड़की देने वाला भी राजी है तो बीच में तुम्हारा क्या काम है? ए, चलो इसको निकालो यहाँ से बाहर। सुनो, चलो निकले। मैं नहीं मानूंगा। आपकी बेटी की शादी कैसे होती है? देख लेना तुम इसकी बारात। पंडित जी। हाँ बोलिए। ये पंचांग खोल कर बच्चों के लिए शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो। अगले हफ्ते बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, कल ही सगाई रख दीजिए ना। हमें मंजूर है जी, मंजूर है। नमस्ते जी। अब हम चलते हैं। आ जाके ले जाके। नमस्ते। नमस्ते। जरा सुनो, आवाज कैसे बदल गई? अगर किसी भी बात में फर्क आया ना तो तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा मैं। फर्क नहीं होगा, मेरा बेटा आपका दामाद बन चुका है, वो फिक्स कर लीजिए। जाइए जाइए, चलो यहाँ से। अभी भी दुल्हन की तरह चलती हो तुम। खुश हो ना? अब और नहीं हो रहा है। ये पापा को क्या हो गया, बैंड बाजा लेकर आ रहे हैं? यार मुझे लगता है इनको जरूर पागलपन का दौरा पड़ रहा है। मैं अभी आता हूँ। क्या अंकल, बैंड बाजा लेकर आए हैं? बात क्या है? आज का दिन मेरी जिंदगी का हैप्पीएस्ट डे है। आपके पापा का मरण दिन है क्या? वही तो, आज के दिन मेरे बेटे की शादी पक्की हुई। अच्छा, है वो लड़की कौन है? जिस लड़की से प्यार करता है वही। हाँ लेकिन आखिर वो लड़की है कौन? उस दिन मुझे फोटो दिखाया था ना, वही लड़की। क्या कहा, फोटो में लड़की देखी? हाँ। हमारे संविधान में ऐसा नहीं होता है। अबे संविधान का और मेरे घर की शादी से क्या लेना देना है बटले? अरे अंकल, लोग एक शादी से परेशान है और आप दो के पीछे पड़े हुए हैं। प्याज के पकोड़े मेरे सामने बेमतलब की बात मत किया कर, समझा? मैं बेमतलब की बातें नहीं कर रहा हूँ अंकल। आप ये जो पागलों वाली हरकतें कर रहे हो ना, जल्दी किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। वो कैसे? अभी भी समझ में नहीं आया, फोटो वाली लड़की और जिससे प्यार करता वो दोनों लड़की अलग है। तुम लोग बैंड बजाओ, क्यों गए? यजमान, आपकी आवाज से मेरी आयु ऑलरेडी 10 साल घट चुकी है। लगता है मेरी जिंदगी गुजर जाएगी पंडित जी। फिर से क्या गड़बड़ कर बैठे? अब हम दोनों के बीच में देखिए, मेरे बेटे को तुमने पसंद कर लिया, हम जानते हैं। अगर किसी भी बात में फर्क आया ना तो तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बेटा आपका ही दामाद बनेगा। फोटो वाली लड़की और जिससे प्यार करता वो दोनों लड़की अलग है। एक बार अंबिका दरबार बत्ती बोलने की गलती की वजह से इतने साल से जलाकर खा चुके हो मुझे। आखिर भस्मासुर की तरह खुद को जलाने वाला दिन खुद ही ला चुके हो। अब आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आपको हार पहनाकर भगवत गीता सुनाने का वक्त आ चुका है। ऊपर मिलते हैं, बाय बाय। ऊपर मिलने के लिए बोल रहे हैं, मतलब हार तो चढ़ना ही है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे तुम। गलत काम करने वालों को उसे उसकी सजा जरूर मिलती है, यही कृष्ण का कथन है। ये आपने क्या नया नाटक शुरू कर दिया? मेरा अंतिम समय आ चुका है, शीशे में अपने आप को बिना सिंदूर के देखने की आदत डाल लो। अरे फोन उठा। फोन उठा। ना, उठाता हूँ। अंकल फोन बज रहा, आप उठा क्यों नहीं रहे? ये मामूली कॉल नहीं है, मेरी मौत की कॉल है। मतलब शव यात्रा के लिए बैकुंठ का रथ, चिता के लिए चंदन की लकड़ियाँ, क्रियाक्रम के लिए पुजारी,
वैसे आपकी अस्थियां कन्याकुमारी में बहाएं या फिर काशी में बहाएं? मैंने जो काम किया है इसे गटर में बहा दो। एक बात कहूं जीजू, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि आपको तुरंत मर जाना चाहिए। ए, तू क्या है कि हाँ में हाँ मिला रहा है? क्यों रे, लड़कियों को तकलीफ में देख के दौड़ के जाता है? तेरा बाप तकलीफ में, मुझे नहीं बचाएगा क्या? हेलो, अरे इसे कोई साइलेंट मोड पे रख दो, रिंगटोन भी मुझे उसकी टोन में सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो, मैं संध्या बोल रही हूँ। आप लोग आज एंगेजमेंट के लिए आने वाले थे ना? पापा ने कहा एक बार आपसे पूछ लूँ, आप लोग कब तक आओगे? एंगेजमेंट रख ली, पर किसको पूछकर? मैंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ की थी, तुमसे प्यार नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे बिहेव करोगे। अब दोबारा फोन मत करना, बाय। इसके लिए इतना नाटक कर दिया। सुन तो, 50-50 कोस दूर तक मेरे रहने की कोई जगह नहीं बची है। अविलंब काशी जाने का इंतजाम करो। अभी अरे यार रुक जरा, ये देख अंकल का पागलपन। मैं परिवार के साथ काशी जा रहा हूँ, मेहरबानी करके मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारा कला मंदिर कल्याण। कहाँ जाएंगे यार, आ जाएंगे। ठीक है। भगवान की असीम कृपा से श्रवण मास में दशमी सोमवार 10/8/2018 10:40 पर उत्तराल वेंकट रायडू जी की सुपुत्री सौभाग्यवती संध्या की शादी कला मंदिर कल्याण जी के इकलौते सुपुत्र राधा कृष्ण के साथ उनका विवाह निश्चित किया गया है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मार पिटाई की जगह यार ये लोग तो शादी करवा रहे हैं। चुप, मुझे ये शादी नहीं करनी सर। जा रहे तो जब हाँ कहेगा तो हाँ होगी और ना कहेगा तो ना होगी क्या? ये रायडू कोई मामूली इंसान नहीं है, समझा? यहाँ का शेर हूँ मैं। तुम्हारी पसंद से कोई मतलब नहीं है, हमें पसंद आया यही काफी है, यही हमारे यहाँ रिवाज है। रूल्स मानने की बात है, आप बोलते यार। शादी के लिए रूल्स क्यों सर, फीलिंग्स चाहिए ना। आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। बहुत घमंड आ गया तुझमें। मेरी ताकत, सियासत, पहचान, रुतबा देख कर भी मना कर रहा है मुझे? मतलब किसी और से प्यार करता है क्या? अरे बताना, उसे मार कर भी मैं मेरी बेटी की शादी तुझसे करवाऊंगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं सर, आप शादी करवा लेंगे लेकिन प्यार कैसे करवाएंगे? प्यार करना ही पड़ेगा, मेरी बेटी से नहीं हमारे पूरे परिवार से करना पड़ेगा, जैसे मैं ससुर जी से करता हूं। प्यार कर सकता हूं सर, इस बटले से, उससे, इससे और इससे भी। मैं तो आपसे भी प्यार कर सकता हूं सर, लेकिन आपकी बेटी से प्यार नहीं कर पाऊंगा सर। एक्चुअली वो बात ऐसी है कि मैं दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता हूं। ये क्या बक रहा है, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है तू? आदमी है आदमी से प्यार करता है। अरे बेटी, मुझे सिर्फ ये 2-in-1 ही मिला था क्या?
बेटी संध्या, अरे क्या हो गया? अरे लड़के को बाहर निकाल के फेंक दो यहाँ से। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम खुद चले जाते हैं। चल ना जानू, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, फिर से मिलने आऊंगा। सेक्सी बॉडी, सिक्स पैक है क्या? वो तो होंगे ही। आई लव यू जान। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं आदमी हूं और आदमी से प्यार करता हूं। तुम्हारे जैसे खूबसूरत इंसान का मैं सालों से इंतजार कर रहा था। आई लव यू टू। एक मर्द सिर्फ औरत से प्यार नहीं करता, तुम्हारे जैसे खूबसूरत इंसान का मैं सालों से इंतजार कर रहा था। क्या है बेटा, उसे बाहर भगाने के बजाय उससे गप्पे लड़ा रहा है तू? ए बाबू, ये मुझे पसंद आया, ये यही रहेगा। इसमें पसंद आने जैसा क्या है? काफी दिनों से मैंने तुमसे एक बात छुपाई बाबू, इसे देखकर मुझे हिम्मत मिली। मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता हूँ। आई हेट गर्ल्स। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है बापू, ये सच है। आपका लाडला बिगड़ गया। ये क्या है? तू भी टू इन वन निकला? ससुर जी, क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ ससुर जी? लगता है बहुत बुरा सपना देख लिया था मैंने। सपना? नहीं, ये सपना नहीं था। ऐसी चीजें हमें शोभा नहीं देती बेटा, ये सब मत कर। मुझे माफ कर दो बापू, मुझसे नहीं होगा। क्या ससुर जी मना कर रहा है तो छोड़ दो ना। क्या छोड़ दो रे पागल करके? क्या नहीं होगा? हा? छोड़ता है या नहीं? छोड़ता है, छोड़ता है नहीं? बापू बताओ। बस छोड़ दे बेटा। तुम चाहे मुझे मारो, डांटो या रोलो, यही सच है। हम दोनों एक जैसे हैं और बदल नहीं सकते। हमें जुदा करने की कोशिश मत करना। चलो बेबी। ए, बेटा। पल्स बहुत वीक है, डीप डिप्रेशन में चली गई है, ना देखने वाली चीज देख ली है। देखी नहीं, सुनी खाली। अरे तू चुप रह बेवकूफ। आप देखिए, कल सुबह तक उठेगी, अगर नहीं उठी तो बड़े डॉक्टर को बुला लेंगे। तुमसे बड़ा डॉक्टर होगा तो शायद कमरे में फिट नहीं होगा। बड़े डॉक्टर का मतलब साइज में बड़ा नहीं, पढ़ाई में बड़ा। ओह, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। Love you. क्या क्या देखना पड़ रहा है? ये शर्ट अच्छी लग रही है। मैं हमेशा दो दो पीस खरीदता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी फीलिंग्स जगाई हैं। अब से मैं तुम हूं और तुम ही मैं हो। आई लव यू जानेमन, लव यू। ये क्या हो रहा है, ये अचानक से बदल कैसे गया? सॉरी सर, आप हैं? मुझे लगा था कि दीवार है। वेल समझा था, और क्या समझ सकता तू? जल्दी बता यहाँ किस लिए आया था? वो क्या है कि इंटरेस्टिंग सीन चल रहा था, इसलिए मैं देखने आया था। इंटरेस्टिंग है? हाँ सर। इधर आ। हाँ सर बोलिए। अपने फ्रेंड के बारे में तू भी अच्छे से जानता है? हाँ जानता हूँ सर। अब अच्छा लगा ना, ये सीन और भी अच्छा लगेगा। अब बैठ कर देखता रहा बटले पिल्ले कह के। मेरे शर्ट की बटन भी तोड़ दी। शर्ट खोल के क्यों घूम रहा है? शर्ट खोल कर घूम रहा हूँ और क्या। ये तुम्हारा लगता क्या है? साला। ओ साला, तेरा जीजा यहीं रहेगा। परमानेंट रख लीजिए तो मुझे। तू निकल यहाँ से। वो क्या है ना, ये मेरे लिए नई जगह है ना, तो मेरे साथ ही रहेगा प्लीज।
मेरे लिए? इतने प्यार से पूछोगे तो कौन मना करेगा? थैंक यू छोटे जी। बोलिए। अब से तू यहीं रहेगा। परमानेंट ना सर। सुधरेगा नहीं तू। आपकी मेहरबानी। नीचे कमरे में रहेगा सर। सेम पिच। तू तो गया काम से। नया घर, नई शर्ट, नया प्रेमी। आग लगी पड़ी है यहाँ। ऐसा है कि मेरी तो सिर्फ शर्ट फटी है, तेरा तो फ्यूचर ही फट चुका है बे। अगर इसको सच्चाई का पता चल गया ना तो तुझे पक्का पास्ट बना देगा। हाँ। अरे तब तक हम यहाँ क्यों रहेंगे यार? तो फिर आज रात को ही खिसक लेंगे। आजा आजा आजा। आराम से आराम। ठीक है धीरे धीरे। क्या ये कौन है यार? घर के बीचों बीच सोया पड़ा ना। चलो चलो धीरे धीरे। ए हाँ। अरे रुक वापस रख। बहुत दिन से पी नहीं है यार। ए मैं चला जाऊंगा और तू फंस जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। चल रख। दारू पीने की कोशिश तो नहीं कर रहा? यही मेरा जीवन साथी है। जल्दी से खोल यार। खोलना। ऊपर देखना। इस घर में सब कुछ उल्टा ही लगा हुआ है। तू जाकर स्टूल लेकर आ। गुड आइडिया। अरे जल्दी जाना भाई। भाई हम भाग नहीं रहे थे सर। घर के दरवाजे खिड़कियाँ ठीक से बंद है या नहीं यही चेक करने के लिए आए थे सर। गुमास्ता जी। ये क्या कर रहा है यार? मेरा पजामा कहाँ है? बोल क्या रहा है? मेरा पजामा कहाँ है बता? तुझे कुछ समझ में आया क्या? सुजाता। सुजाता अच्छा तुम्हारे पास है। ठीक है तुम ही रख लो। रख लो रख लो रख लो। कल सुबह आके छुड़ा लूंगा। लगता मैं मारने के लिए तलवार लेने जा रहा है यार। नहीं यार ये स्लीप वॉक है। स्लीप वॉक? हाँ? ये इतना क्या हेल्थ कॉन्शियस है यार? रात में भी चल रहा है। अरे हेल्थ कॉन्शियस नहीं यार, स्लीप वॉक यानी वॉकिंग नहीं, वो एक बीमारी है। समझा क्या? ये जो कुछ भी कर रहा है इसे याद नहीं रहेगा। तू एक मिनट रुक मैं अभी आता हूँ। नहीं मुझे मत रोक, आज मत रोक, प्लीज छोड़ दे मुझे, जाने दे। सुजाता। सुजाता वहाँ नहीं है। लेफ्ट। देखा देखा। चला जा। अगेन लेफ्ट। बंद कर बंद कर यार, ये क्या कर रहा है? छोड़ से। रुक जाओ। हे चल। जरा रुक जा। अब तुम मुझे मारोगे, जरा गाल पर मारो। अरे चल अब हो गया ना। चल चल रुक जा एक मिनट। तुमने मेरी शर्ट फाड़ी थी ना? नाउ यू कैन गो। बदला। उठ गया। तुम दोनों कौन हो? मेरे दारू की बोतल कितने गिरा ये बताओ। अरे उन्होंने पहल मारा था। या ही इज द मैन। ससुर जी चोर कही गए। रुक जाओ। क्या किया? मेरे दारू की बोतल को लात मारने की कोशिश करेगी। मुझे लात मारने तो चलता, लेकिन तुमने मेरे दारू की बेइज्जती की। आ जाओ मेरे सामने, देखता हूँ कौन है पैसे लेने वाला। अरे बौखला गया है क्या शराबी? आधी रात में जंगली जानवर की तरह क्यों चिल्ला रहा है? किसी को भी सोने नहीं देगा क्या? दारू की बोतल का खून हो गया, ससुर जी ने उसको मार डाला। कौन है रे वहाँ? ससुर जी ने मेरे मासूम दारू का खून कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। विश्वास नहीं होता ना तो मिन से पूछ लो। कहाँ गए? अरे शराब तेरे दिमाग में खूब चढ़ गई है। शराब मेरे दिमाग में नहीं, खून में चढ़ गई है। तो उससे बात करने से तो अच्छा है कि भैंसों से बात कर लूँ मैं। जाकर तुम उनसे ही बात कर लो। Get out of my house! क्या बोला? जा रे। मर जा, पीकर यहीं पर मर जा। चल तेरी तो। अबे यार तू कैसे आया? तू क्यों आया? अंदर डर लग रहा है मुझे। अरे मैं भी इसीलिए आया। चल चल छिप जा छिप जा।
अरे यार बच गए। ये कैप क्यों पहन ली ऊटी के वॉचमैन की तरह? क्या समझ कर रखा है नोबेल नायडू को? बड़े छोटे का फर्क नहीं समझ में आता? किसके दम पर इस तरह की बात कर रहे हो? तुम लोगों को अक्ल है कि नहीं? कैसे इंसान हो? क्या खाकर पैदा हुए हो? अब तुझे क्या हुआ रे भुक्कड़? उस तरफ देखो। देख लिया तो क्या हुआ? नायडू का दामाद है। अब मजा आएगा, बहुत अच्छा मौका है। इसको मारकर कहीं फेंक दो, इसकी लाश भी राइडू को नहीं मिलनी चाहिए, तब मेरा बेटा उसके घर का दामाद बन जाएगा। घोड़े बेचकर सो रहा है गधे, उठ जा। क्या के उसे मार रहे? अभी नहीं होगा, बाद में देखेंगे। अरे जाओ उसे मार डालो रे, तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, जाओ। उसे जिंदा मत छोड़ना, बोटी बोटी काट कर फेंक देना, फुल पैसे की गारंटी है। जाओ जाओ। कितना हुआ? 10 रुपए। ए तुझे अकल है क्या? हाँ, ऐसी चीज लेकर रोड पे खुलेआम घूमना ठीक नहीं है, किसी को लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे से देखकर डर जाते हैं। चल अब जाए भाई। जाना। क्या हुआ यार? ये सब तुम्हारे गैंग के हैं? उसने मेरा शेर जाग गया। कोई था किधर है? कोई था? ये लो। अब जाओ जाओ। चलेगी? कब चलेगी? ठंडी हो जाए। चलेगी चलेगी बोलकर यहीं पर खड़ा है, चलाना रे। इनको उतारो, गाड़ी चलेगी। आखिर गाड़ी तो बदलो भाई। गाड़ी को नहीं रे, तुम लोगों को, तुम नालायकों को बदलना चाहिए। ये देख, ये हमेशा सोते रहता है और ये खाते रहता है। कितना अच्छा मौका हाथ से निकल गया भगवान। कितना धक्का दूं मानसी यार, अरे कितना दौड़ा धक्का। मानसी अरे छोड़ सी, चल। हाँ तो गिर गई, ये वो घर तो नहीं है ना? अरे लग नहीं रहा है, वही है।
से इधर क्यों आई? हमारी बदनसीबी की वजह से। मामा जी कैसे हो? मामा जी यहां पर आने के लिए मना किया था ना, तुझे समझ में आता है क्या? शर्म नहीं आती है क्या? चलो निकलो यहां से। बड़े पापा क्यों आई हो? पहले से हम बहुत परेशान हैं यहां, अब ऊपर से तुम आ गई। आपके अलावा मेरा है ही कौन बड़े पापा? कोई नहीं है तुम्हारा, हमारे लिए तो तुम 20 साल पहले ही मर गई। जब देखो किसी न किसी बहाने से यहां पर मत आया करो। ये सब क्या है यार? आप सबसे मिले बिना मैं कैसे रह सकती हूँ बड़े पापा? नहीं रह पा रही हो तो कहीं जाकर मर जाओ। इधर आओ। मैंने झूठ बोल दिया और मैं फंस गया। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बड़े पापा कह रही थी तो फिर वो तुम्हें इतना हेट क्यों करते हैं? मेरे बड़े पापा मेरे पापा से बहुत प्यार करते थे। पापा की जरूरतों को बिना पूछे ही बड़े पापा जान लेते थे। मेरे पापा मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया। पापा की वही डेथ हो गई और मॉम मेरे पैदा होने के बाद इस हादसे ने सबके मन में मेरे लिए नफरत पैदा कर दिया है। मेरे पैदा होने की वजह से उनके भाई की मौत हो चुकी है ऐसे बड़े पापा मानते हैं। ऐसा बड़े पापा ही नहीं घर का हर सदस्य मानता है। उनके मन में पापा के लिए प्यार मेरे लिए नफरत है, मैं क्या करूं? अब ये सब मुझसे प्यार करेंगे ऐसी कोई आस मेरे दिल में नहीं बची है। मुझे तो लगता है मेरा पैदा होना ही गलत है। इतने सालों से इतना दर्द अपने मन में ही रखा, तुमसे प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी फैमिली तुम्हें अपना के रहेगी। देख रहा है ना, ये बार बार पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूम रहा है। थोड़ी देर के बाद तेरा वो आशिक आएगा, उसे सच्चाई मालूम चलेगी तो तुझको ना जान से मार देगा। ज्यादा उछल मत वरना मेरे साथ तू भी मरेगा। ये क्या सुबह सुबह ही पार्टी रख दी? पार्टी नहीं है, पंचायत है। जजमेंट के बाद ही पार्टी करेंगे। प्रोसीड। बात क्या है? देख लो तुम्हारे लवर का कांड, ये हाल है इसका। हम्म।
मुझे क्यों मारा? उसका आदमी के साथ रहना गलत है, तो औरत के साथ रहने में बुराई क्या है? सुपर जजमैन पसु जी, बियर में सोडा मिलाया तो गलत है, लेकिन बिस्किट मिलाया तो बिल्कुल गलत नहीं होता। अच्छा लॉजिक है यार, तुझे दुनिया में कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। देखो बुरा मत मानना राजा। नहीं नहीं, इस लड़की की तकलीफ को समझकर मैंने उसे गले लगाया, और तुम मुझ पे ऐसे शक कर रहे हो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम तो ऐसा मत बोलो, ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ, ये सभी लोग हमारे हैं। हाँ, सगी बेटी से तो प्यार नहीं कर सकते, तो बाहर वाले से क्या प्यार करेंगे? वैसे भी मुझे कोई पसंद नहीं करता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ मेरी क्या जरूरत, मुझे भूल जाओ राजा, चलता हूँ। टू इन वन ने फिर से कोई पंचायत रखी है क्या? क्या है ये, क्या चल रहा है? आज से ये मेरी बहन है और ये इसी घर में रहेगी। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मान जाओ। ठीक है, एक और बात। अब वो क्या है? जैसे मुझसे प्यार करते हो उसी तरह इसे भी प्यार करना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अब इस टू इन वन को मैं कैसे प्यार करूं यार? दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मान जाइए आप। ठीक है। थैंक यू भैया। तुम तो खुश हो ना? सुपर हैप्पी। ओह, इस फैंटास्टिक मूवमेंट के लिए एक फैमिली सेल्फी हो जाए। बाकी रात में। सेल्फी अच्छी आई है, तू देखेगा। अबे बेवकूफ, धक्का मत दे, मेरा दोस्त है, सारा प्लान चौपट करेगा। बताओ, सेल्फी की जरूरत थी क्या? क्या जरूरत थी? वो क्या है कि हैप्पी मोमेंट कैप्चर करके फैमिली एल्बम बनाना चाहता हूँ ना, इसीलिए। तूने एल्बम नहीं बनाई बल्कि उसको एक मौका दे दिया है। अरे उसने चूटी काट काट के मेरी हालत खराब कर दी। शर्ट नीचे कर, अगर वो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस फैमिली में सभी चूटी काटते हैं क्या? अच्छा, भैया ने किया तो चलेगा, मैं करूँ तो गलत है क्या? कुछ भी गलत नहीं है, तुम लगी रहो। गलत है? गलत है क्या? नहीं। गलत है क्या? गलती हो गई क्या? इस घर में अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लगे रहो। ऐसे क्या देख रही हो? तुम इतनी क्यूट क्यों हो? मुझे इतने प्यारे क्यों लगते हो? नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं। बेटे के टॉर्चर की वजह से पिता ने की आत्महत्या। ससुर जी, ये तो कुछ कुछ आपके जैसा ही है। टी। अब खड़ी क्यों हो यहाँ पर? पीने के बाद लेकर जाना ना, चाय खत्म तो हो जाने दो या फिर सूंघ कर ही दे दूं तुझे। वो बात नहीं है साहब जी। तो फिर क्या है? आप पर कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, मैंने तो आपको हमेशा शेर जैसे देखा है, अब तो चूहे जैसी हालत हो गई है। आपके बेटे की हालत देखकर मेरा सीना छल्ली हो गया है। अरे दुख वुख जैसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ जाओ। सिर्फ मुझे ही नहीं साहब जी, ये बात सुनने के बाद मेरे पति ने दुख के मारे खाना खाना ही छोड़ दिया है। अब अपने पति को भी बता दिया तूने? मैंने उन्हें नहीं बताया, मंदिर के पंडित जी को बात बताते वक्त छुपके से इन्होंने सुन लिया था। अरे अब पंडित को किसने बताया है? जानबूझकर नहीं बताया साहब जी, हमारी गली की औरतों को बता रही थी तो गलती से पंडित जी ने सुन लिया। एक औरत को खबर लगी तो समझ लेना पूरे देश को खबर मिल गई। तुम एक काम करो, फेसबुक में डाल दो और काम ही तमाम कर दो, कर दो। साहब जी अब जाओ ना, तुम्हारा साहब जी तो मर चुका है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? बेटी किसी से बात नहीं कर रही है, मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बात करता हूँ, ठीक है? रुको। बिटिया, बिटिया, बेटा, तुम जरा भी चिंता मत करो बेटा, मैं उस टू इन वन की जगह किसी मर्द को लेकर आऊंगा, और पता है उसका 10 डॉक्टर्स के पास ऊपर से नीचे तक टेस्ट करवा के कंफर्म करूंगा। बेटा ऐसे क्यों देख रही हो? सुनिए जी, क्या कहा उसने, बताइए ना क्या कहा, कहेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? रुकिए रुकिए, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ ससुर जी? वो बिटिया जाग गई। बिटिया जाग गई है तो शक्ल पर खुशी होनी चाहिए, हमें क्यों डरा रहे हैं आप? बिटिया ने मुझे मार दिया रे। मारा?
कोई सुनेगा तो हंसेगा। इतनी छोटी सी बेटी आपको कैसे मारेगी? बचपन में मैं भी आपको नहीं मार पाता था। तू जानना चाहता है तो एक बार अंदर जाकर खुद ही देख ले कैसे मारती है। अब पता चल जाएगा कैसे मारती है। अरे बाप रे! तेरे बोले हुए एक झूठ से ना पूरा घर हिल रहा है आज। कमाल हो गया। खाना छोड़ दो, पहले काम में मदद करो। दे दो, मैं कट कर देती हूँ। बड़ी माँ, अरे ऐसा क्या देख लिया जो सुबह सुबह कौवे की तरह चिल्ला रहे हो तुम? देख लो, इनकी प्रेम कहानी देखी नहीं जा रही है, जान देने का मन कर रहा है। दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत। एक मिनट, एनी कमेंट्स? ये कोई क्रिकेट मैच है जो मैं कमेंट्री दूंगा? एक टू इन वन दूसरे टू इन वन का दिमाग खराब कर रहा है, इसमें देखना क्या है? ससुर जी, आराम से पैर रखो। ये सब क्या चल रहा है ससुर जी? दोनों का पैर फिसल रहा है तो मेरा पैर भारी हो रहा है, भारी लग रहा है। दारू सुबह सुबह मैंने पिए और ऐसा आपको हो गया है? जोक में हंसने की बजाय थप्पड़ मारते। अरे जोक नहीं है वो, दूसरा मैटर था। अरे तू जैसे बात कर रहा मुझे तो डर लग रहा है, हटना। देखने दे, अब कैसा लग रहा है बेबी? ठीक नहीं है राजा, मैं जब से इस घर में आया हूँ कुछ न कुछ मुझ पे गिर ही रहा है। पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। चेहरा? किसका चेहरा? किसका चेहरा देखा तुमने? इसका या इसका? इसका या इसका? हाँ बोलो बेबी। ससुर जी, सुबह कहीं उसके रूम की तरफ तो नहीं गए थे? मैं क्यों जाऊंगा रे, मुझे उस टू इन वन से क्या काम हो सकता है? परसों तक तो आपके बेटे को भी शेर समझते थे, कल ही तो पता चला ना कि वो भी नपुंसक है। कौन कैसा है पता नहीं चल रहा यहाँ पर। ये बात तो मैं पहले ही जानता था। ससुर जी समझाओ। क्या जानता है तू? बताओ किसका चेहरा देखा तुमने? एक बात बता, वो अपनी उंगली मेरी तरफ तो नहीं रोकेगा ना? अरे मैं भी देखता हूँ कि आपका बेटा आपके साथ क्या करेगा। बच गया, मैं तो बच गया। तुझे जो करना कर। इतनी बेकार सूरत लेकर यहाँ वहाँ घूमना बंद करो। उम्र बढ़ चुकी है लेकिन अकल नहीं आई। मेरा गुस्सा बढ़ गया तो मार दूंगा तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। आइए भाभी, आइए। आप शांति रखिए भाभी। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर किया है। सिर्फ एक बार आपके बेटे ने आपको कुछ कह दिया तो आपको इतना दुख हो रहा है, और कई साल से आप अपने बेटे को देखना भी नहीं चाहते, उसे खरी खोटी सुनाते हैं, यहां तक कि उसे अपने पास भी नहीं रखते। उसके दुख के बारे में सोचा कभी? मानसी इधर आओ। बचपन में अपने माता पिता को खोने के बाद उसे अपनी ममता की छाव देने की जगह आप अपने पति की बातों में आ गई। आपको रोते हुए देखकर आपका पूरा परिवार आपके पास आ गया, और इस मानसी के लिए पूरा परिवार होते हुए भी अकेली है। आपको इसके लिए कभी बुरा नहीं लगा? इसकी तकलीफ समझाने के लिए मैंने इतना सारा नाटक किया। भले ही आप मुझे माफ मत कीजिए, पर इससे अब और नफरत मत कीजिए। समझते हो मैं इससे प्यार नहीं करती? डरती हूँ मैं। अच्छा तुम मानसी को कैसे जानते हो? मैंने आप सबसे झूठ बोला है। एक्चुअली मैं गे नहीं हूं, मैं मानसी से प्यार करता हूं। मेरे पापा की गलती से ये सब हुआ और इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा।
जो अपनी माँ के साथ बदतमीजी से पेश आ सकता है, ये सच जानने के बाद वो तुम दोनों के साथ क्या करेगा, डर लग रहा है मुझे। अरे वो इस बूढ़े को कॉफी लाकर देगा क्या? अरे क्या हुआ, इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठी हो, कोई तकलीफ है क्या? आपसे शादी करने के बाद हो ही क्या सकता है मेरा? क्या हो गया तुझे, ऊंची आवाज में बात कर रही है? बस कीजिए, बस कीजिए, गूंगी बनाकर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंधविश्वास की वजह से हम सब की जिंदगी बर्बाद की आपने। दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये सोचकर मेरी बेटी की उस शराबी के साथ शादी करवा कर उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो आप। और दूसरी बेटी लाड़ प्यार की वजह से अपना दिल तोड़कर अंधेरे में बैठी है। कोई भी बेटा माँ से ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन मेरा बेटा अपनी माँ की ही बेइज्जती करता है। ये सारी करतूतें आपकी है। तो कर क्या सकते थे, हाथी जैसा बड़ा हो गया, उसका क्या बिगाड़ सकते, हमारी बदनसीबी है ये। बिल्कुल है, ये आप ही के कर्म है। आपके अंधविश्वास की वजह से उस मासूम बच्ची को उस दिन घर से मैंने बाहर निकाल दिया था। अब एक बात मुझे बताइए, आपके भाई की मौत से और उस छोटी सी बच्ची का क्या लेना देना है? बताइए ना, क्या लेना देना है? आप हमेशा पाप करते रहे और मैं आपको रोक भी नहीं पाई। मेरी वही गलती थी, पाप हुआ मुझसे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। मुझे मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। बिटिया बैठो, बैठो बिटिया। तुम जानती हो बेटा, मैंने इतने सालों में तुझे ठीक से देखा भी नहीं। तुम तो बिल्कुल मेरे भाई के जैसी दिखती हो, कोई फर्क नहीं है। मेरा भाई हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, यही दुख था। लेकिन उसका अंश तुम्हें यहां छोड़कर गया, ये पता नहीं लगा पाया बेटी। अपनी बेवकूफी की वजह से इतने सालों में मैंने तुम्हें कितना दुख पहुंचाया है बेटी। नहीं बड़े पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा, ये बात मेरी गलतियों को मिटा देगी, ये बात मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपनी गलतियों को जान चुका हूँ, बताने के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती बेटा। अपने बड़े पापा को माफ कर दोगी ना? कर दोगी? ऐसा मत कहिए। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। बापू, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। अरे सुन, तूने तो शक्कर से भी मीठी बात कर दी है आज। ए, मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ढूंढकर तेरी उससे शादी करवा दूंगा। बापू मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, शादी करूंगा तो उसी से। ये क्या बात कर रहे हो बेटा, उस टू इन वन से शादी करोगे? इतिहास में कहीं भी लिखा है कि एक टू इन वन की दूसरे टू इन वन से शादी हुई है? क्यों नहीं हो सकती ससुर जी, आप अपडेट नहीं हो रहे हो, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे सारे देशों में ऑलरेडी हो रही है। गेम मैरिज कहते हैं इसे। अगर ये शादी हो जाएगी तो इंडिया में फर्स्ट मैरिज अपने ही घर में होगी। वो बन रहा है, मुहूर्त निकलवा लो बापू। कांग्रेचुलेशन ससुर जी, आप अपने हाथों से इतिहास लिखने जा रहे हैं। उन दोनों नामर्दों के बीच तुझे फंसाकर मैं एक नया इतिहास रचने वाला हूँ, समझा? उस जमाने में लंका में सीता हुआ करती थी, अब इस लंका जैसे घर में मैं हूँ, ज्यादा फर्क नहीं है यार। पता नहीं यार, मुझे तो तू ना चाची 420 का कमल हसन लग रहा है, दोनों तरफ से फंसा हुआ है। उसमें तो सिर्फ एक हीरोइन थी, यहाँ पर तीन हीरोइन है। पीजे मत मार, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। एक बात बता यार, तेरी असलियत जब तेरे पापा को पता चलेगी तो उनका क्या हाल होगा? मेरा बेटा गे है, यानी कि ये है। अरे बाप रे, मेरा बेटा गे है, गे है, गे है, रे रे रे। क्यों बेटा, तू गे है क्या? सुना क्या बोल रहा है, अपने खानदान को यहीं पे क्यों रोक दिया? अरे बाबा, मेरा बेटा वो है। अरे अब मैं क्या करूं, किसको मुंह दिखाऊं, किसको मुंह दिखाऊं, मेरा बेटा वो है। चुप रहे यार, सदमे से मर जाएंगे। अंकल को याद करते ही मेरी आंखों के सामने अंकल दिखाई देने लगे हैं।
क्या अरे बटले क्या बक रहा है हा? अरे अंकल की आवाज भी आ रही है यार, अबे आवाज क्यों नहीं आएगी, मेरे पापा यहाँ गए। पापा अंकल आ गए, आप यहाँ कैसे? सर काशी से मैं डरता डरता यहाँ पे आया हूँ। चार लोग आए थे, बोला कि मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है, कार में बिठाकर यहाँ लेकर आ गए। अरे बहुत शक्म, चलो। कौन है तुम लोग? क्या रे चखने की जगह पत्ता चाट रहा है, पीना नहीं छोड़ा क्या? पीना नहीं छोड़ेगा और आपका पागलपन इस जन्म में नहीं छूटेगा। चलो ना पापा। मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। चाचा हो रहे ब्रांड वाले चाचा मेरे सामने खड़े, 100 रुपए तो दो। क्यों? जैसे सड़क पे रोड टैक्स देना पड़ता है, यहाँ मुझे टैक्स देना पड़ता है। घर वालों से 500 रुपए लेता हूँ, घर वालों से सिर्फ 100 लेता हूँ। 100 रुपए दे दो। अरे मेरे पास नहीं है, तू दे दे। चल निकल यहाँ से। इसे मारा क्यों तूने? उसे इन सब की आदत है पापा। पहले आप चलो, आपको यहाँ लाया कौन? मैंने। अपना आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। उठ जा बेटा, इतने दिनों में तुम्हारे अंदर इतने संस्कार कहाँ से आ गए? आई लव यू। आइए बापू बापू। सुन, जब ये पहले बुलाता था ना बापू बापू तो बिल्कुल कोयल जैसी आवाज लगती थी, अब क्यों बिल्कुल कौवे जैसे काव काव सुनाई देती है? हाँ क्या है बोल। देखो कौन आया है। समधी जी। सारे 2-in-1 एक ही जगह इकट्ठा हो गए क्या? समधी जी मैं आ गया। बिल्कुल नीले रंग का शर्ट पहना है बेटे। समधी जी जब मैं आया था तब से और अब तक आप में कोई बदलाव नहीं है। आप तब जितने मोटे थे आज भी उतने ही मोटे हैं। समधी जी हमारा रिश्ता टूटे ये उस भगवान को भी पसंद नहीं है, इसीलिए हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। 2-in-1 का बाप होने की वजह से तुम्हें हर कोई 2-in-1 ही लगेगा। अरे मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे, कीड़े रेंग रहे ऐसा लग रहा है मुझे। बापू हमारे रिश्तेदार हैं, ये इसी घर में रहेंगे, अगर इन्हें कुछ कहा तो काट दूंगा। समधी जी कितने संस्कारी बेटे को जन्म दिया है। जहाँ चाहे हाथ लगा रहा है। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मेरी तो भूख ही मर चुकी है। सुनो अपने इस महान रिश्तेदार को बैठकर खिलाओ ठुसाओ। आओ पूरी इडली, तेरा दिमाग भेजा सब कुछ। तुझे कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं, पर मुझे तो आग की भट्टी के ऊपर बैठ गए ऐसा लग रहा है। हाँ। अरे आप बैठ जाइए। ससुर जी आप सुन रहे हैं, दरअसल मेरे बापू है ना जरा पुराने ख्याल के हैं, शाम को मिलते हैं। 100 साल जियो। आप परोसिए। रात को मिलते हैं। आपने देखा क्या, जीजा साला कैसे मजाक कर रहे हैं। फूटे मेरे कर्म। अरे बाप रे, और कितने पागल आएंगे इस घर में। ये लड़की कौन है? लास्ट टाइम इसे तो नहीं देखा था। पहली बार मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इनको बोलो ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा नाचो मत वरना रोना पड़ेगा। सुन लिया मैंने, तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारी शादी हो गई समझो। इस रिश्ते की बात समधी जी से मैं खुद करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अबे यार मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि इनको असली बात बता देनी चाहिए। असल बात बताऊंगा तो और भी बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा यार। तू नहीं बताएगा तो भी लफड़ा होगा। हाँ? सच कह रहा हूँ मैं। समधी जी। ये भगवान ये फिर से आ गया, मुझे तो ये मार ही डालेगा। समधी जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। समधी जी बैठिए, मेरे आते ही आप जा क्यों रहे हैं? सोचा कि तुम्हारी बकवास सुनने से तो अच्छा आदमी ऊपर ही चला जाए। बाहर से दिखते नहीं है लेकिन बहुत मजाकिया है। बाहर से दिखाई नहीं देते हो लेकिन हु बहु तुम भी तुम्हारे बेटे जैसा ही हो। मेरा बेटा मेरे जैसा ही है। थूकना हो गया हो तो आगे रिश्ते की बात कर ले क्या समधी जी? अरे तुम में जरा भी अक्ल है कि नहीं? 2 2-in-1 की आपस में शादी करवाना चाहते हो? तुम सबके सब पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या बोल रहे हैं आप, बेटे का रिश्ता आपके भाई की बेटी के साथ करना चाहता हूँ तो पागल क्यों बोल रहे हैं? कैसी बकवास कर रहे हो? हाँ सोच समझ कर बात करो। अपने 2-in-1 बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाना चाहते हो? चीर के रख दूंगा, समझ क्या रखा है? क्यों रे तू शादी करने का लायक नहीं है क्या? अरे बताओ ना, पैर ऐसे करके ऐसे कप कर चल कर दिखाओ ना इसे तो देखो तुम। सच्ची? हाँ पापा। हैरान मत होइए, हमारा भांजा भी ऐसा ही है, हम दोनों सेम हैं। हाँ उसका आदमी के साथ रहना गलत है तो औरत के साथ रहना गलत क्यों है? प्यार की चाबी? बापू मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, उसी से शादी करूंगा। कृष्णा तुम मत घबराओ,
एयरपोर्ट के बाजू के घर में रहने वाला भी इतना साउंड पोल्यूशन नहीं झेलता होगा यजमान। अब क्या हुआ ये बताइए। लिंग भेद नहीं है, जब आपने बोला था तो मैं समझा नहीं था पंडित जी। क्या मालूम था कि वो ना पुल्लिंग होगा और ना स्त्रीलिंग होगा, बल्कि बीच का नपुंसक लिंग होगा, नहीं मालूम था। विधाता के लिखावट को बदलने की कोशिश करोगे तो ऐसी ही विकृति होती है यजमान। जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी। कृष्णा 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 कृष्णी। क्यों बाबूजी, दिमाग के फ्यूज उड़ गए, तारे दिखाई दे रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है, उन्हें पैदा किया है हमने, गलती की है हमने, तो फिर सजा ही नहीं मिले, अच्छी बात नहीं है। तो अब क्या करे? इन दोनों की शादी करवा कर अपने पाप धो लेते हैं हम दोनों। हे भगवान, अब मन को शांति मिली है। अरे इसने किसको धोने की बात कही है, ये क्या धोना चाहता है? कुछ भी धो लो। अब बस बड़ी माँ, सुबह थोड़ा ही खाया था ना तूने? मेरा पेट नहीं खाना है। पड़ेगा ले, ये देख, अगर तूने नहीं खाया ना तो मैं इनको बुला लूंगी। ले, पौष्टिक आहार लेना बेटा, शादी के बाद जिम मत छोड़ना। ट्राई करेगा? मुझे इसकी आदत नहीं। अच्छी बात है, पीना गलत बात है, पीने से हेल्थ खराब हो जाती है। मुंह खोलो। ओपरे, देख कर मुझे मौत क्यों नहीं आती, खाने से नफरत हो चुकी है मुझे। राइडू राइडू, तू यहाँ बैठा है, उठ उठ उठ, अगर ये नहीं उठे तो इसी के ऊपर बैठ जाओ तुम। राइडू, तुम्हारा होने वाला दामाद वो है। तू भी उन्हीं में से है? मेरी बेटी को पसंद है, बहुत प्यार करती है, बहुत बोल रहे थे ना, उसके पास तो जिम जिम नहीं है। शादी कब है? तू जिस दिन मरेगा उस दिन। अरे तुम में अकल नहीं है क्या, मरे हुए को कौन मारता है? जरा इधर, कौन है मरा हुआ बता। देखिए भाई साहब, मेरा बेटा टेढ़ा है, अगर देखा जाए तो इनका बेटा भी तो टेढ़ा है ना, तो फिर क्या हुआ? इसकी तो इसने पूरी पोल खोल डाली, मुझे बर्बाद करके रख दिया। क्यों राइडू, तुम्हारा बेटा भी वैसा ही है। तुम्हारे बेटे की तरह ही। देखिए, पहले कभी रिश्ता मांगा था ये बात कहकर उड़िए मत, इनकी बेटी खाली बैठी है, चाहिए तो अभी जोड़ लीजिए। हैं ससुर जी, ये फिर हमें फेवर कर रहा है, फॉलो कर लो, हमारी पगले की शादी हो जाएगी, मतलब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन ये राइडू को? इन्हें भी मंजूर है, हमें भी डबल मंजूर है। मैं बहुत खुश हूँ राइडू, वो क्या है ना, हम दोनों समझी होने वाले, तू वही बैठ कर बोलना। ऐसी बात नहीं है, एक बार मैं तुम्हारी बेटी से बात कर लूं। अरे अभी क्यों, बाद में बात कर लेना। मुझे अभी बात करनी है। दीदी तो वो घर में नहीं है, बाहर गई है। झूठ बोलोगे तो घर में लड़की पैदा होगी। उसके पैदा होने की वजह से ही तू मेरे सर पर जमकर बैठा है। हेलो अंकल, लड़की अंदर कमरे में। ये क्या है राइडू, इस उम्र में भी झूठ बोलते हो? मैं मिलकर आता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं मानी ना मेरी बात, अब बैठ जाओ। ये क्या, उसने मुझे मारा? बाबूजी हमें भी मार चुकी है, तुम घबराओ मत, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। ठीक हो जाएगा? सुनो, तुम सब मिलकर एक पागल को मेरे घर भेजना चाहते हो? मार डालूंगा। कौन है पागल रे? समझी जी, सबको मार दूंगा बोलकर रिश्ता तोड़ना आता है, कभी जोड़ना भी तो सीखिए। आओ तुम जोड़ लो। अरे इस लड़की से नहीं तो इस लड़की से जोड़ दीजिए। कौन सी लड़की? इनके भाई की बेटी। बिटिया मेरी सोने की बिटिया, आ जाओ गुड़िया। देखा ना, दिन भर मोती गिरते रहते हैं, तुम मोतियों का व्यापार कर सकते हो। अच्छा बेटा, तुम इनके बेटे से शादी करोगी? वो दिखने में बिल्कुल इनके जैसा सांड नहीं है, बहुत सुंदर है। समधी जी, छोटी लड़की है, नादान है। अरे इससे क्या पूछ रहे हैं, लड़की पागल है? पागल बोला तो सर फोड़ के रख दूंगा। जरा रुकेंगे क्या, जल्दी डिसाइड कीजिए। बिटिया, तुम शादी के लिए राजी हो ना? बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है तुम जाओ। तो मैं अपने कामों में लग जाता हूँ, चलता हूँ। खुशियाँ मनाइए। हो गया बेड़ा गर्क, सब खत्म हो गया, तेरे पापा ने सब बर्बाद कर दिया। तो तू गे नहीं है? हे भगवान, मेरे बड़बोलेपन की वजह से सारा का सारा मामला ही बिगड़ गया। आपसे तो ना ऐसी बेवकूफी की उम्मीद थी मुझे। मुंह बंद करेगा? पहली बार एक बड़े आदमी की तरह समधी जी के पास जाऊंगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हेलो मास्टर जी, जो किया है उतना काफी नहीं है क्या, और कचरा क्यों कर रहे हो? खाली बैठे बैठे क्या करूं, और चुप रहिए। अब क्या है? मुझसे एक वादा करो। आपको नहीं, मुझसे कहा है, मुझसे।
अब बोलो। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी, मुझे मेरी फैमिली भी चाहिए और तुम भी। हाँ भोंके, तू सब ठीक कर सकता है, मुझे तुम पर भरोसा है। बेटा किसका है? कला मंदिर कल्याण का बेटा है। आई प्राउड माई सन मैन। या अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? अब बेडरूम तक कैसे जाऊंगा? पहले चश्मा उतारो, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। जाओ, इससे तुम्हारी आंख निकालूंगा नालायक कहीं का। यू कैन डू इट यार, चक दे फट्टे बॉस। हमेशा के लिए इस रूम में रहना चाहती हो क्या? तुम्हारे गुस्से का एक मतलब होना चाहिए। एटलीस्ट गुस्सा क्यों हो पता तो चले। जिंदगी में जो चाह वो न मिलने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। तुम्हारे इस तरह बैठने से पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रोती नहीं बैठेगी। और दुनिया की तो छोड़ो, तुम्हारा परिवार ही तुम पर ध्यान नहीं देगा। मेरी तारीफ को तुमने प्यार समझा और तुम्हारे गुस्से को मैं पागलपन समझूं? बाहर आकर सबको बताओ ये सब गलत है, या फिर सब ऐसे ही चलने दोगी? तुम जैसा चाहो। पता होता अगर मेरे एक झूठ की वजह से तुम्हारी यह हालत हो जाएगी तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कैसी बात कर रहे हो? झूठ बोलना पाप है, रेडू से पंगा लेना वो भी पाप है। चलो ऑटो, मुझे जाने दो। आपके डराने से मैं डरूंगा क्या? हमें सिर्फ पाव भाजी बनानी नहीं आती है। अच्छा? हम इंसानों का भरता भी बना सकते हैं। अच्छा? जरूरत पड़े तो तलवार भी उठा सकते हैं हम लोग। क्या बात है बहन जी, इतनी सी बात के लिए तलवार निकाल लिया? आवाज नीची रखो। इतनी सी बात के लिए तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं। 100 झूठ बोल के एक शादी करवानी चाहिए, क्या मैं एक झूठ नहीं बोल सकता हूँ? बोलना पड़ेगा। बोलूंगा। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो पंडित जी? हाँ यजमान, सातवीं आंख से शुक्र देवता टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। इसकी तो कभी भी सीधा नहीं देखता है, कभी यहाँ से टेढ़ा कभी वहाँ से टेढ़ा, सीधा है नहीं। इसलिए यजमान, आप कन्यादान करोगे तो चिता पर लेटना, अगर नहीं करोगे तो भिखारी बनना तो तय है। सिक्की तैसी, करो तो भी गलत, ना करो तो भी गलत। अब तुम बताओ क्या करें? बचने का कोई ना कोई रास्ता नहीं है क्या? बचने के लिए कोई लॉरी या कार है क्या? अरे ये ग्रह दोष है, कुछ नहीं होगा महाप्रभु। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कोई अच्छा सा रास्ता हो तो बताओ वरना तुझे मार डालूंगा मैं। आप गुस्से में आकर मुझे डराओगे तो समस्या का हल नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा सा गैप दीजिए ना। घर जाकर सोच कर आओगे क्या? जजमा जी, बहुत ही उत्तम आइडिया आया है। आपको उस लड़के के पैर धोने से पहले किसी और के धोने पड़ेंगे। अरे पंडित के बच्चे, मतलब पैर तू मुझसे धुलवाना चाहता है? मेरी बात तो सुनिए जजमान, शादी हुई जैसी भी होनी चाहिए और नहीं हुई वैसी भी होनी चाहिए। मतलब सुहागरात भी होनी चाहिए और पेट भी नहीं आना चाहिए। पंडित के बच्चे, गणित के सवाल की तरह समझ में ना आने वाली बातें करोगे तो तुम्हारा टकला फोड़कर चटनी बना दूंगा उसकी। हाँ प्रभु, आप अगर दूल्हे के पैर धोएंगे तो आप मर जाएंगे, नपुंसक के पैर धोएंगे तो नहीं मरेंगे। तू इतनी जिंदगी जीकर उस पागल के पैर धोने की बात कर रहा है? मजबूरी है जजमान, अगर आप अपनी बेटी की शादी किसी नपुंसक के साथ करेंगे तो पूरा दोष खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटी के गले का मंगलसूत्र निकाल कर फेंक देना, फिर अपने पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी करवा दीजिएगा, वो सुखी रहेगी। ये आइडिया तो अच्छा ही है पंडित, लेकिन वो नामर्द 2-in-1 मानेगा ये बात है? आपका बेटा बोलेगा तो वो मान जाएगा ना जजमान। क्या कह रहे हो बापू? ऐसे गुस्सा मत करो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। ये सच्ची मुच्ची की शादी नहीं है, झूठ मूठ की शादी है। छोटे बच्चे बचपन में जिस तरह से खेल खेलते ना, बिल्कुल वैसी। मेरे इमोशन समझ नहीं पाओगे। मैं कैसे उसे कैसे? अरे हाँ रे, मुझे कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा तो फिर नहीं तो क्या? मेरे बेटे, मुझसे ज्यादा प्यारा तो तेरे लिए आने वाला कल प्यारा है। कुछ मत करना, मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर दोनों मिलकर शादी करके नाचना जोर जोर से। बापू रोना बंद करो, मैं बात करता हूँ। बात करता हूँ। बात करेगा तू? बात ही नहीं बेटा, उसे मनाना भी पड़ेगा। बस उसे पहले जोड़ना है, उसके बाद तोड़ के रख देना है, बस इतना ही। मनाऊंगा। तुम क्या बोल रहे हो राजा?
तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? बेबी ये शादी सच नहीं है, झूठ मूठ की है, खिलौने वाली, जैसे कि गुड्डा गुड्डी बच्चे खेलते हैं ना वैसे ही। आई नो राजा, मुझसे नहीं होगा, मैं एक लड़की से कैसे। मैं जानता हूँ बेबी, ये बहुत मुश्किल है हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए। मेरी बात मानो, मान जाओ, आई लव यू। ठीक है, बच गए बापू, बापू बच गए। थैंक यू बेबी। जल्द आ रहा, आज फैसला करके रहेंगे, चलो। ए, ए, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, हटो, ए, हटो, ए, राइडू, राइडू यहाँ। अरे ये हमारे रिश्तेदार हैं, आजा, 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 आजा। ये क्या राइडू नया नाटक है, मेरे बेटे के साथ शादी करवाओगे बोलकर उस नामत के साथ शादी करवा रहे हो? अरे ये सच्ची शादी नहीं है रे कालिया, झूठी शादी है, बच्चों वाली शादी है। मैं क्या तुमको पागल वगल दिखाई दे रहा हूँ क्या? ये क्या है रे? मूंगफली ले रहा हूँ। मेरी जेब में कैसे आ गए? यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ रख दी। भूखड़ की औलाद, भूखड़ की औलाद। मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ कि नाटक कर रहे हो? अरे सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम सबको वैसे ही दिखाई देते हो। बात को समझ, नहीं समझे तो फिर भाड़ में जा। ए, इन्हें कोई कॉफी खिला दो, खाना पिला दो। मैं यहाँ कोई कॉफी पीने नहीं आया हूँ, तुम्हें धोने के लिए आया हूँ। धोने के लिए आदमियों को रखा है, शाम को आकर धो देंगे। अरे धोना मतलब वो धोना नहीं, पूरे गाँव को शादी में बुलाकर कह रहे हो कि झूठी शादी हो रही है। मैं क्या पागल दिखता हूँ? पिताजी का पता नहीं पर मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे ये क्या है, तुझसे भी बड़ा निकम्मा है। करते क्या है? इसने मेरा केला चुरा लिया है तो मैं क्या करूं रे? उससे पूछिए। अरे वो देख, वहाँ मंडप में केले पड़े हैं, जा जितना खाना हो खा ले, जा जा जा। सुन लो, तुमको मुझे आज जवाब तो देना ही पड़ेगा। तेरी तो मेरी कुंडली में कोई दोष है, इस शादी से मिट जाएगा, इसके बाद तेरे बेटे से ही शादी होगी। बाद में तुम क्या करोगे? अगर मेरे बेटे के साथ शादी करवाओगे तो दोष नहीं मिटेगा क्या? नहीं मिटेगी, मैं मिट जाऊंगा। उस टू इन वन से करना जरूरी है यार। वो गे है क्या? टू इन वन मतलब ऊपर से मर्द अंदर से औरत। वो सब तो अमेरिका में होता था, यहाँ भी चालू हो गया? मीफा वायरस की तरह यहाँ पर भी फैल चुके हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर। मतलब वायरस भी है क्या? अरे मैं इसे कैसे समझाऊं? अरे ए टू इन वन, बापू हम ये शादी क्यों कर रहे हैं? जरा इनको कहीं दूर ले जाकर अच्छी तरह से समझाओ, जाओ यहाँ से ले जाओ। चलिए। मैं ये कह रहा था कि ये सब तो अमेरिका में। अरे बेटा ये क्या है, अभी भी बैठी हो? उठो, उठकर उस मंगलसूत्र को निकाल कर फेंक कर कपड़े बदल कर आओ, कालिया के बेटे से शादी करनी है। पापा। हाँ। आपसे बात करनी। अरे बाद में बात करते हैं बेटी, अभी बहन की शादी तो करने। नहीं पापा। हाँ। अभी बात करनी है। बेटिया ये क्या है सब? क्यों बे, तू टू इन वन नहीं है क्या? तेरी तो ऐसे शर्मा मत, ये शर्म ही मेरा घर बर्बाद कर चुकी है। मतलब महिला संघ एकजुट होकर सब नाटक करके मुझे बर्बाद करके रख दिया है। पापा ये दोनों प्यार करते हैं, ये दोनों अगर आपको सच बात बताते तो क्या ये शादी हो पाती? इसलिए हमने ये किया। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है बेटा, ये बात अपने टू इन वन को पता चलेगी तो वो क्या करेगा ये सोच कर ही मुझे डर लग रहा है। वो सब ठीक करने के लिए तो आप हो, ये दोनों हमेशा खुश रहे यही तो हम सब चाहते हैं। बाकी आपको जो करना है करो। अरे ये पागल पंडित ऐसी टकली शक्ल लेकर आंखें फाड़ फाड़ कर उल्लू की तरह देख रहा है, ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, कोई उपाय बता। महाप्रभु इन औरतों के पद्म बिंदु में अभिमन्यु की तरह फंस चुका था, आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। तेरी तो अब क्या हो गया जी, मुहूर्त अच्छा नहीं बोलकर टाल देते हैं। हाँ, सही वक्त देखकर सच्चाई बता देंगे, क्यों पंडित जी? बहन जी। हाँ। इट साउंड्स गुड जी। अरे काहे का गुड, तेरी तो मंत्र भी बराबर बोलने नहीं आता है, गधे की तरह हूँ हूँ करता रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए
ये सारी बात हम सबके बीच ही रहनी चाहिए। चलो चलो हटो। ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? मुझे डर लग रहा है। राजा, सॉरी राजा, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, ये सब मैंने किया है। शादी से बचने के लिए मैंने झूठ बोला था। हाँ राजा, अगर मैंने तुम्हें कोई भी दुख पहुंचाया तो मुझे माफ कर दो, प्लीज राजा, प्लीज। एक बार मेरी बात तो सुनो। ये तो मरेगा, इसका साथ देने वाले भी मरेंगे। आप ठीक तो हो ना? Oh!
तेरे साथ तुझे। रुक जा, नहीं बेटा, उसे छोड़ दे। अरे अरे बेटा, उसे गुस्सा जरूर आता है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, उसे माफ कर दे। देख मेरा बेटे, उस लड़के ने हमारा भलाई तो किया है, हमारी बेटी को हमारे पास लौटा दिया, हमारे बीच की दूरी को हटा दिया। ए, तो अपनी माँ पर हाथ उठा रहा था तो ये बीच में आ गया, इससे पता चलता है ये कितना अच्छा है। ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा बेटा, इससे इससे माफी मांग लो बेटे। इसकी जरूरत नहीं है। पहले तो आप इसे नपुंसक बोलना बंद कीजिए। इसमें इसकी क्या गलती है? इसमें इसकी कोई गलती नहीं, गलती तो आपकी है जो आप इसे कभी समझ नहीं पाए। पापा, ये आपका बेटा है। आई लव यू बेबी। ये क्या है रे? तो फिर मेरी शादी? वो नपुंसक बचा है, जाकर उसे कर ले। कर लूं क्या? तुम क्यों आ गई? तुम्हारे भैया क्यों नहीं आए? क्या बात है, भैया को बड़ा मिस कर रहे हो? पता नहीं बाबा, जब से तुम्हारे भैया से गले लगा हूँ कुछ कुछ होता रहता है। सच में? सच में नहीं। सच में नहीं। सच में नहीं। सच में आ।